अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरप्रसाद जप आदि सच जोगाद सच हैपी सच नानक होसी पी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरप्रसाद जप आदि सच जोगाद सच हैपी सच नानक होसी पी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरप्रसाद जप आदि सच जोगाद सच हैपी सच नानक होसी पी सच। वाहे गुरु 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 खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। श्री नानक परशोत्तम परंपरावर नाथ जुगल चरण मम बंदना तहर पर तहर करमा कहाँ बुद्ध प्रभ तुष हमारी वर्ण सके महिमा जो तिहारी हम ना सकत कर सिफत तुम्हारी आप ले हो तुम कथा सुधारी। वाहिगुरु गुरु नानक पग पंकज बंदन पग पंकज बंदन सिमरो अंगद दुख निकंदन गुरु अमरदास हृदय नित त्यावूं हृदय नित त्यावूं श्री गुरु राम दास गुण गावो गुरु अर्जुन विघ्नन के
नाशक वाहिगुरु बिघन के नाशक श्री हर गोबिंद शुभ सुमत पर काशक श्री हर राय नमो कर जोरी नमो कर जोरी श्री हर कृष्ण मनावो बहोरी गुरु तेग बहादुर परम केर पाला वाहे गुरु परम केर श्री गुरु गोबिंद सिंह बिसाला जियो तरो तरा तर पन पन शीशा वाहे गुरु पन पन शीशा बंदो बार बार जग बार बार जग दीसा जिसमें अमृत ज्ञान है मानक भगत वैराग श्री गुरु ग्रंथ साहिब उदद बंदों करे अनुराग श्री गुरु ग्रंथ साहिब उदद बंदों करे अनुराग एकंकार सतगुरु ते प्रसाद सच होए वाहे गुरु जी की फतेह है विघ्न विनाशन सोए वाहे गुरु जी की फतेह है विघ्न विनाशन सोए सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी दोहरा सुने लड़ाई गिर पतन चित संकत सब होए अलप चमुंगुर संग है हमरे राज दोए सुने लड़ाई गिर पतन चित संकत सब होए अलप चमुंग संग गुरु है हमरे राज दोए वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह परम सम्मान योग साहिब सतगुरु अकाल पुरख वाहिगुरु जी दे निज घर हिरदा स्वरूप बाणी के बोहित जगत गुरु स्वामी लोक परलोक दे रखियक गुरु तख ते सोबायमान जुगो जुग अटल सतगुरु तन 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 श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सचे पातशाह जी दी मुबारक पवित्र मुकदस गोद अंदर
शोभायमान गुरु जी का खास सुंदर स्वरूप रूप खालसा सत संग जीओ। ग्रीवन वास सतगुरु धन गुरु ग्रंथ साखी महाराज जिन्हां दी अमृत इलाही हुकम धन गुरु अमरदास महाराज जी की अमृत रसना तो बख्शिश किते ई मन खारजी त्याए तो एक मन एक चित पहाए खारकियां सदा सदा वडियाइया दे ना पछोताए मुबारक हुकम आप जिया ने गुरु देव जी की रसना तो बख्शिश किया अमृत श्री मुख वाक सरवण किया। ग्रीवनवास जी का मुबारक वो कारक है जिन्हों खजूर अमृत बाणी विच अपनी रसना तो बचन आखते ने ये मन मत जाने हर दूर है सदा वेख हदूर सद सुनदा सद वेखदा शब्द रहया भरपूर। ऐसे ग्रीवनवाज पातशाह जी दे चरणा च आप जी नित प्रत दी तरह दिन दे पिछलेरे पहर दे सजे दीवान च हाजरी भर के चौजी प्रीतम बादशाह दरवेश साहेबे कमाल सरबंसदानी धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज तिना दा चल रहा लड़ीवार गुरु वृतांत आप जी पावना सहित सरवण करते हो। कल दे दीवान अंदर सतगुरां दी मुबारक साखी आप जी ने इतों तक सरवण की संखेप विचार एक है धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी दे खालसे ने जो पहाड़ी फौजां ने मन विचारिया कि सतगुरां कोल फौज थोड़ी है असी हमला करके महाराज जी की फौज ते जित कर सकते हैं पर गुरदेव जी ने जो खालसे की वड्डी बख्शिश जो खालसे ते महान नदर की है वो गिनती भावां थोड़ी पर महाराज जी के महान योधे सूरबीर आए हुए वैरी ते भारी हमला करते ने। धन गुरु गोबिंद सिंह पिता महाराज सच्चे पातशाह जी ने जिस वक्त सिखां ने दसिया महाराज इस तरह कुछ सिंह शहीद हुए ने कुछ जख्मी हुए ने हजूर जी ने उन्हां दी संभालता दा हुक्म कीता। महाराज सच्चे पातशाह जी का वचन खोया जो फटड ने जख्मी ने उन्हां दी मलम पट्टी कीती जाए जेड़े शहादत का जाम पी गए ने महाराज कहिंदे उन्हां दा संस्कार कीता जाए सेवा संभाल कीती जाए। इत्थे अध्याय संपन्न हुंदा है। श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथ पोथी नंबर 12 अंग नंबर 5227 रुत चौथी अंशु अध्याय 5 दी पारंभता होन जा रही है। इस अध्याय नू गुरु कृपा सदका लड़ी तहत अज दे दीवान राखी आपने सांझा करना है। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी आप दया तरस करके दसरियां दे सिर हथ रख के अपने दर कर दी सिफत आप
विच वर्त करके करवा लैन। सतगुरु पातशाह जी दे पावन वरतांत नूं गुरु जी की अमृत लड़ी नूं अगे आरंभ करन तों पहलां आप जी जो गुरु चरणां च उपस्थित होए हो प्यार सहित हाजरी लवाओ, असीस बख्शो, रसना दी पवित्रता लई उच्चारण करो जी सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जीओ। फिर कृपा बख्शिश करो जी सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जीओ। वाहिगुरु साहिब जी दोहरा सुने लड़ाई गिर पतन चित संकत सब होए। जदों पहाड़ियां ने इस लड़ाई बाबत सुनिया तो चित उन्हां दा बड़ा शंके विच बहुत ज्यादा भरम विच चिंता विच पै जांदा है। अलप चमुंगुर संग है हमरे राज दोए। हजूर गुरु गोबिंद सिंह महाराज कोल अलप फौजा ने भाव थोड़ी फौज है, साढ़े कोल इलाके दे राज बहुत कुछ, पर महाराज सचे पातशाह जी दी फौज ने जो इस वक्त साढ़े ते वड्डी जित लई है। चौपाई सेना पठी संग समुधाई जिन्नी भी फौज सी सारी नू असा कठिया भेजना कीता। किमरण करत पराजय पाई किमे रण भूमि विच उन्होंने ये प्राप्ति विजय हासिल करने कीते। बड़े बहादुर उर अहंकारी जेडे बहुत बहादुर अखवाए जांदे राजे, पर कवि कहिंदे खिरदे विच हंकार से। जो हंकार है उही उन्हां दी जीवन दी वड्डी खुआरी बनदा है। ओ हंकार की उन्हां लई दुखदाई बनदा है। आयुध विद्या जानत सारी जो सारी आयुध विद्या दा बोध रखदे सन जानदे सन। ठहरे क्यों ना गुरु के आगे सतगुरु दे अगे क्यों नहीं ओ थिर होए। बहादुर सूरमे जड़े आखे जांदे रण भूमि विच ओ गए, पर गुरु दाते दे अगे ओ ठहर नहीं रह सके। होए कायल से तत छिन भागे जेड़े जख्मी सन उसे वक्त तत छिन कहिए तुरंत फौरन उसे वक्त भज जांदे ने दौड़ जांदे खान। जे गुर संग होए दल महा जे गुरुदेव जी दे कोल महा वड्डा दल हुंदा, महाराज जी दे कोल बहुत वड्डी गिनती विच अगर फौजां हुंदियां। हमरो राज थिर है तब कहां ते फिर साडा राज किवें थिर रह सकदा। अजे ते फौजां दी गिनती कोई नहीं, जे गुरुदेव कोल बहुत वड्डा दल होया राजे सोचदे ने फिर साडा राज जड़ा खत्म होवेगा। नित प्रत जाट कमीनी जात क्योंकि गुरुदेव जी सचे पातशाह जी नित प्रत बख्शिशां करदे ने, पर राजियां दी नज़र विच जेडे नीवी जात वाले सन उन्हां नूं ओह कुछ नहीं सन समझदे, पर गुरुदेव पिता जी ने नीवी जात वालियां नूं भी बख्शिशां दे नवाजिया क्योंकि सतगुरु कृपालू है। महाराज सचे पातशाह जी नित प्रत नीवी जात वालियां नूं बल दे रहे हन। बने है सिंह पहुल ले जात खंडे बाटे दी पहुल लै के अमृत दी दात लै के ओह सारे सिंह बनदे पए ने। ओह गुरुदेव पिता महाराज जी दी सिक्खी धारण कर रहे हन। खड़ग तुफंग केस कछ धरे और सतगुरां दे बख्शे हुए शस्त्र पंज ककारी वर्दी ओह धारण करदे हन। बहु बिद मार बकारा करे ते बहु बिधि सहित चढ़दी कला दे विच जकारा बुला करके अपने हथ जंग कर लैंदे हन। पातशाह राजा नह गने ते कोई पातशाह राजा सदांदा होया उन्हां सामने की है। मार मार सब हिन को पने ते गुरु फौजां गुरु पातशाह जी दा खालसा पंथ मार मार के उन्हां नूं सोधा लांदा।
उन्हां दी सुधाई कर दिंदा है। ऐसे गरीबनवाज पातशाह जी ने पंथ सिरजिया है। बदत जात नित प्रभ इम पईत, ये नित प्रति ही दाते दी बख्शिश है कि खालसा दून सवाया वधदा जा रहा है। ये गुरुदेव पिता दी ही रहमत है कि खालसा नित प्रत वध रहा है। जिम पड़वा ते निस्पत लहियत, जिमें एक तो चंद्रमा शुरू वधदा होया प्रतीत अगा हुंदा है, इस तरह गुरुदेव धन गुरु कलगी तर जी का खालसा अगे वधदा जा रहा है। इनको चाहिए करन उपाय, राजे कहिंदे इन्हां दा कोई उपाय सानू करना होवेगा, कोई उपाय सानू लभना होवेगा, कोई तरीका अपनाना होवेगा। अल्प है सब किछ बन जाए, है तां ओ अल्प ने थोड़े ने पर सब कुछ बन गए ने, क्योंकि धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चा पातशाह अपनी कृपा रहमत करदा है। गुरु के सवारो ताई तां चोजी प्रीतम महाराज जी अमृत अपनी रसना तो बचन कहिंदे ने। सतगुरां दे आप जी सारे बचन पढ़ते खो चौपाई साहब अंदर, धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहिंदे जे एक बारी भाई सिखा तू आनंदपुर साहब का वासी बन गया, तू एक बार कह दिता अज तो पिता गुरु गोबिंद सिंह है, मैं आनंदपुर का वासी हाँ, सतगुरां दी पहुल लई गुरु परिवार सदाया गया। क्योंकि जदों पहुल लै जांदे ने सी सारे गुरु भाई सजदे, तो महाराज सच्चे पातशाह अकाल पुरख परम पिता परमेश्वर चरणा च बेनती महाराज कहिंदे ने साडा परिवार है खालसा, ये साडे परिवार ते परमेश्वर आप जी ने तरस करना, सदा अपनी कृपा अपनी बख्शिश रहमत रखनी। महाराज जी बचन कहिंदे ने, हजूर कहिंदे सुखी बसै मोरू परिवार, ये मेरा सारा खालसा परिवार है। इस खालसे परिवार ते दाता जी सदा अपनी मेहर रखिया जे, ये सेवक सिख हमारे तारीए, इन्हां सारे सेवाकां सिखां दा उधार करना है। एक किते गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की बख्शिश है, गुरु के सवारो जेड़ा खंडे बाटे की पहु लैंदा है, धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज उन्हूं भाव सागर तो पार कर दे। सतगुरु का अमृत वो पातशाह जी की बख्शी कोई पहु लैंदा है, महाराज जी की अमृत की दात प्राप्त करता है, तां गुरुदेव सच्चे पातशाह उहदे ते मेहर करदे ने। महाराज सच्चे पातशाह जी नित प्रति कृपा करदे ने, कहिंदे है थोड़े सां राजे कहिंदे पर सब कुछ बन जा रहे ने, क्योंकि गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दा उन्हां दे सिर ते हथ है। लग बूटे को तुरत उखारे, जे कोई छोटा बूटा होवे कोई दरख्त रुख छोटा होवे ते उन्हूं तुरंत पटिया जा सकदा है। सके हलाए ना बट जब पारे, जे बोड़ दा बट कई बोड़, जे बोड़ दा दरख्त वड्डा हो जाए। भाई गुरदास साहब जी ने कहा अपनी कलम तो बड़ा सुंदर उन्हां दा वचन, श्रीमान भाई गुरदास साहब कहिंदे बीज तो बिल्कुल ओदा छोटा है पर वह जदों बोए सै जदों उन्हूं बीजिया जांदा है तो ओदा विस्थार वेखो, सारा पिंड सारा नगर मुहला उहदी छां हेठा बैठता है। जैसे बट बीज बट के ये बोड़, ओदा बीज जिहड़ा है बड़ा छोटा, भाई गुरदास साहब कहिंदे पर जदों उन्हूं बो दिता जाता है जमीन विच रख दिता जाता है तो वह छोटा जिहा बीज जदों उगदा है बहुत वड्डा बरोटा बड़ा वड्डा बोड़ धारन सारा नगर उहदी छां माणदा है। कहिंदे राजे कहिंदे जे दरख्त छोटा होवे तो उन्हूं पटना सौखा है पर जे किते ओ बोड़ दी तरह बहुत वड्डा हो जाए ते ओनू पटिया नहीं जा सकदा। अगन चंगारा तुरत बुझाई, जे अग दी मानो कोई चंगियारी है ते ओनू तुरंत बुझाया जा सकदा है। बन लग पसरै हवै ना उपाई, पर जे ओखी चंगियारी जंगल विच लग जाए ते अग अगे दी अगे पसर दी है उसनू बुझाना कठिन हो जांदा है। थोरन दिन को के हर होए, ये थोड़े ही दिना विच महान बलि शेर बन गए। पकर लह निर्बल होए सोए, पर जे किते निर्बल खून ते पकड़ लै हुण साडी क्रिया निर्बल बन गई हुण सानू इस करके फड़ रहे हन। जब अपनो बल धर कर गरजे, ते जदों अपना बल धार करके
महाराज सचे पातशाह धन गुरु कलगी तर हजूर अपने खालसे ते जदों मेहर कर देंदे। कौन समुख होए तह तब तर जै, केड़ा सूरमा उन्ना खालसे दे अगे हो के कवे मैं इन्हां दा मुकाबला करदा, मैं इन्हां दे सामने खुंदा। अब तो सिंह सैकड़े अह, हुण ते सैकड़े दी गिनती विच सिंह जड़े ने गुरु दाते दी पहो लै के खालसा सज गए। नित प्रत गुरु देव जी दे चरणा जे अंदर जदों सा संगत अमृत की महात्मता जान दे, गुरु देव पिता महाराज जी की पहुल का उन्हां नूं बोध खुंदा ते गुरु के सवारे उह गुरु कलगी तर दे पासों आ करके पहुल प्राप्त कर दे। महाराज जी सानू भी खंडे बाटे की पहुल प्रदान करो। क्यों? दूसरे भाई गुरदास साहब कहिंदे ने एक गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की पहुल बख्शिश कह भाई पीहो पहुल खंडे धार होए जन्म सुहेला। जे भाई तुसी अपना जन्म सुहेला करना चाहते हो तां गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की खंडे बाटे की पहुल अमृत की दात लवो, अमृत धारी होवो। यही तो गुरु के सवारे सतपुरख महापुरख कहिंदे ने भाई ना बंदगी कर गुरु वाला बण। इस जगत दे विच करता परम पिता परमेश्वर ਉਹ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਵਡਿਆਈਆਂ ਖਰ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪਹੁ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਰਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਪੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਵਾਰਿਓ ਕਰਤਾ ਮਿਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮਹਾਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਮ ਉਤਪਾਤ ਕਰਤ ਸੋ ਅਹੈ, ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਤਪਾਤ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਬ ਹੈ ਹਜ਼ਾਰੋ ਗਿਣਤੀ ਹੋਏ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗਿਣਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਅਰੇ ਲੜੇ ਤਿੰਨ ਸੋ ਤਬ ਕੋਏ, ਕੌਣ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜ ਸਕਦਾ, ਸਾਡੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸਮਰੱਥਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ। ਇਤਿਹਾਦਿਕ ਮਿਲ ਗਿਰ ਪਤ ਕਹੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਦਿਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਿਰ ਪਤ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਦਲ ਤੁਰ ਕਾਨ ਹਕਾਰੇ ਉਹ ਚਹੇ, ਹੁਣ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਦਲ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਧੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੱਖਣ ਗਇਓ ਨਰੰਗਾ ਆਪ, ਤੇ ਦੱਖਣ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਸਮੇਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੋ ਨਰੰਗਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਦੱਖਣ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਮਹਿ ਸੂਬਾ ਬੜ ਥਾਪ, ਔਰ ਉਹ ਦੱਖਣ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਜਾਂਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸੂਬਾ ਬਣਾ ਕਰਕੇ, ਤਹਾਂ ਵਕੀਲ ਪਠਨ ਕੇ ਕਾਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਿਆਣਾ ਦੂਤ ਘੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਰਿਓ ਤਿਆਰ ਸਮਝਾਏ ਉਚਾਰਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਵ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਕਰਕੇ ਉਚਾਰਿਆ ਆਖਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ। ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਵਾਰੇ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਬਣਾਈ, ਤੁਰਕਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਮੇਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਦਰਬ ਹਜ਼ਾਰ ਵਸਤ ਸਮਾਜੇ, ਔਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਨ ਹੋਰ ਕੀਮਤੀ ਵਸਤੂਆਂ ਲੈ ਕਰਕੇ, ਪ੍ਰਥਕ ਪ੍ਰਥਕ ਦੇਨਸ ਗਨ ਰਾਜੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਈਏ। ਬਹੁਤ ਮੁੱਲ ਤੇ ਜੋ ਕਰ ਆਵੇ, ਬਹੁਤ ਮੁੱਲ ਜੋ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਜੋ ਵੀ ਕੀਮਤੀ ਵਸਤੂ ਲੈ ਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਹੇਠ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਕਹਿ ਪਹੁੰਚਾਵੇ, ਉਹ ਖੁਸ਼ਾਮ ਦੀ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਣੀ ਕਰਦੇ, ਕੀਮਤੀ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਵਸਤੂ ਵੀ। ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਪਰ ਗੁਰੂ ਬਿਰਤਾਂਤ, ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪੱਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਾਸੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆ ਕਲਾ ਵਰਤਾਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਜੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਹਾਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਸੈਂਕੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਦਾਤੇ ਦੇ ਦਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪਹੁ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨੀਵੀਂ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮੰਨਦੇ ਸਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਪਕੜ ਕੇ ਰਣ ਭੂਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਹਾਦੁਰ ਸਦਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਬਲੀ ਯੋਧੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣ ਲੱਗੇ ਉਦਮ ਦੇਸ਼ ਪਾਏ ਬਹੁ ਭਾਂਤ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਭਾਂਤੀ ਇਹ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ ਕਹਿ ਖਾਲਸਾ ਮੈਂ ਅਬ ਕਰਿਓ ਔਰ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਜੋ ਸਾਜਿਆ ਹੈ ਹਮ ਸੋ ਕਈ ਬਾਰ ਲੜ ਪਰਿਓ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਦੀ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਹ ਕੋ ਤਰਾਸ ਬੇਸਾਰਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਰ ਮੁਕਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਰਾਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਰਕਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਘੱਲਦੇ ਨੇ ਰੰਗੇ ਵਾਲ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੰਗ ਹੋਏ ਨੇ ਅਸੀਂ ਹਾਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਡਰ ਇਤਿਹਾਦਿਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਭੈ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਜਿੱਤ ਕਿਤ ਚਾਹੇ ਜੰਗ ਅਖਾੜਾ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਚਾਹਣ ਜੰਗ ਅਖਾੜਾ ਉੱਥੇ ਮਚਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਬਿਗਰੇ ਤੁਮ ਸੋ ਭੀ ਇੱਕ ਬਾਰੀ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਗਾੜ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੇ ਸੁਧ ਭੇਜੇ ਹਮ ਸਾਰੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਸੁਧ ਖਬਰ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਘੱਲ ਦੇ ਪਏ ਤੈਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਪਏ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋਣਾ ਕਰ ਅਬ ਉਪਾਏ ਇਸ ਕੋ ਹੋਇਆ ਵੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਪਾਅ ਕਰਨਾ ਹੁਣੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਬੜਾ ਪਛਤਾਵਾ ਹੋਵੇਗਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਨਤ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤ ਨਿਜ ਪੰਥ ਵਧਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੈਨਾ ਪਠ ਹੋ ਮਿਲ ਹੈ ਹਮ ਸੰਗ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਸੈਨਾ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਘੱਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਦੇਹੇ ਨਕਾਰ ਕਰੇ ਬਹੁ ਜੰਗ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਕੱਠੇ ਜੰਗ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਤਿਹਾਦਿਕ ਬਹੁ ਲਿਖੇ ਪਠਾਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਤਿਹਾਦਿਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬਚਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਵਕੀਲ ਸੋ ਬਚ ਸਮਝਾਏ ਤੇ ਜਿਸ ਅਹਿਲਕਾਰ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲੈ ਕਰ ਜਾਣਾ ਨਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਬਾਨੀ ਵੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਸੂਬੇ ਡਿੱਗ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲ ਗਯੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਲੈ ਕਰਕੇ ਅਹਿਲਕਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸਨੇ ਸਨੇ ਤਹਿ ਪਹੁੰਚਤ ਭਇਓ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਮਾਰਗ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹੱਥ ਜੋੜ ਬਹੁ ਦਈ ਅਕੋਰਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਭੇਟਾ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਅਰਪਣ ਕੀਤੀ ਸਰਬ ਪ੍ਰਸੰਗ ਭਨਿਓ ਇਤ ਓਰਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਬਿਰਤਾਂਤ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਨਾਲ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਸਭ ਰਾਜਨ ਮਿਲ ਮੋਹੇ ਪਠਾਇਓ ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਪਠਾਇਆ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਤਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਘੱਲਿਆ ਹੈ ਆਪ ਪਾਸ ਇਸ ਹਿੱਤ ਚੱਲ ਆਇਓ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਹਿੱਤ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਸੂਬੇ ਸੁਣ ਕਰ ਸਭ ਬਾਤ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹ ਸਾਰੀ ਬਾਤ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਨੇ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਓ ਨਰੰਗੇ ਕੋ ਬਿਰਤਾਂਤ ਕਿਉਂਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਿੱਲੀ ਸੀ ਫਿਰ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਉਸ ਸੂਬੇ ਨੇ ਔਰੰਗੇ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣੀ ਕੀਤੀ ਤੇਰਜ ਤੇ ਸਭ ਕਈ ਲਕੋ ਦਈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵਕੀਲ ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਲਕਾਰ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਧੀਰਜ ਦਿੱਤਾ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਔਰੰਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉਹ ਗੱਲ ਅਗਲੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੈ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਉੱਥੇ ਘੱਲ ਦਿੰਦੇ ਗਜ ਬਾਜੇ ਜੁੱਤ ਭੇਂਟ ਲਈ ਔਰ ਕੁਝ ਹਾਥੀ ਤੇ ਘੋੜੇ ਭੇਟਾ ਵਜੋਂ ਲੈਣੇ ਕੀਤੇ ਇਤ ਰਾਜਨ ਬਹੁ ਸੈਨ ਬਣਾਈ ਇੱਧਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੈਨਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਵੱਡਿਆ ਕਰ ਲਿਆ ਤਰਾਸ ਗੁਰੂ ਕੋ ਕਰ ਤਕਰਾਈ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਭੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਤ ਪ੍ਰਤ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਘਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦੇ ਆਪ ਸਾਰੇ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ
गुरु के सवारो सचे पातशाह तो वह खजाना क्या जिस विच निरभउ की गल है वो आप वाहगुरु जी डर तो रहत ने, निरवैर है वह वैर तो भी रहत है। जेड़ा निरभउ की आराधना करता है उसकी सिमृति करता है तन गुरु ग्रंथ साहब पातशाह जी की महान बख्शिश का पात्र बनता, इस मुकाम पर जाता। महाराज कहते निरभउ जपै सगल भउ मिटै, उत्ते डर रहत हो जाता। राजें की बिरती कुछ होर, वो कहिंदे सानू गुरु गोबिंद सिंह का बड़ा डर लगता है, गुरु का डर करके असी तकड़ाई कर रहे हैं, फौजां च वाधा कर रखे। किते कल नू गुरु गोबिंद सिंह महाराज सचे पातशाह सानू इस देश विचों कढ ही ना देन, असी इस रियासतों किते बाहर ना हो जाइए, इस करके गुरु का पै जिहड़ा है ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਤਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਚੜੈ ਸਿੰਘ ਗਨ ਖੇਤ ਉਝਾਰੈ, ਤੇ ਨਿਤ ਪ੍ਰਤ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਇਲਾਕੀ ਮੌਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਰੈ ਲਰੈ ਰਣ ਮਰੈ ਸੋ ਮਾਰੈ, ਰਣ ਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਬਹਾਦੁਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੂਝਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਂ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਾਰ ਕੇ ਜਿੱਤ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਰਾਜਨ ਕੇ ਨਿਤ ਬੜੋ ਹਗਾਮ, ਰਾਜਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਤ ਪ੍ਰਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡੀ ਜੰਗ ਮੱਚੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਨਕੈ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾ ਇੱਕ ਕੰਮ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾਮਾ ਕਹੀਏ ਦਾਦਾ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸਵਾਮੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੰਜ ਪਿਆਲੇ ਪੰਜ ਪੀਰ ਸ਼ਟਮ ਪੀਰ ਬੈਠਾ ਗੁਰ ਭਾਰੀ, ਅਰਜੁਨ ਕਾਇਆ ਪਲਟ ਕੈ ਮੂਰਤ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਵਾਰੀ, ਚੱਲੀ ਪੀੜੀ ਸੋਢੀਆਂ ਰੂਪ ਦਿਖਾਵਣ ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ, ਦਲ ਭੰਜਨ ਗੁਰ ਸੂਰਮਾ ਵੱਢ ਜੋਧਾ ਬਹੁ ਪਾਰੀ ਉਪਕਾਰੀ। ਉਸ ਪਿਤਾਮੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵਿਚਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾਮਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾਮੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਦਾਦੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਤ ਪ੍ਰਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੈਠੇ ਸਭਾ ਲਗਾਏ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਭਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਕਰਦੇ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੰਗਤ ਭੀ ਸਮੁਧਾਏ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹਿੱਤ ਵਾਸਤੇ ਆਏ, ਗਰੀਬਨਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਪਰਸਨ ਆਏ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੂਰ ਤੇ ਆਈ, ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਈਆਂ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੀਦਾਰ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੀਦਾਰ ਰਾਖੀ ਤਾਂ ਜਨਮ ਸੁਹੇਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਵਾਰਿਓ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲ ਪਰਸਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤਨ ਮਨ ਹੋਏ ਨਿਹਾਲ ਜਾਂ ਗੁਰਦੇਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਰੋਮ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਹਿਰਦਾ ਖੇੜੇ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖ। ਦੂਰ ਤੋਂ ਉਮੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਵਾਰਿਓ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਪਰਸਨ। ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਪਾਇਨ ਲਿਹਾਈ, ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੇਮ ਭੇਟਾਵਾਂ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕਰਦੇ। ਤਬ ਅਰਦਾਸੀ ਅਗਰ ਖਰੋਏ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਅਰਦਾਸੀਆ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਸਾਂਪਤ ਸਕਲ ਵਸਤ ਕੋ ਸੋਏ, ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾਤੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸੇਤੀ ਥਿਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪੈਸਾ ਮੋਹਰ ਰਜਤਪਣ ਜੇਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਭੇਟ ਹੋਇਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਚ ਭੇਟਾ ਅਰਪਣ ਹੋਈ ਗਿਆ, ਪੈਸਾ ਰਜਤਪਣ ਜੋ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਰੇ ਹੈ ਸੰਭਾਰਨ ਰੱਖ ਤੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਭਾਲ ਕਰਕੇ ਕੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਭਇਓ ਗੁਰੂ ਡਿਗ ਅਨਕ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਨਿਤ ਪ੍ਰਤ ਬਰਕਤ ਹੋਈ। ਪੁਰ ਹੈ ਭਾਵਨਾ ਦਾਸਨ ਨਾਨਾ, ਤੇ ਨਾਨਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾ ਗੁਰੂ ਦੇਵ ਸਾਰਿਆਂ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੂਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਰਬ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਛਾ ਪੂਰਕ ਦਾਤਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਛਾ ਪੂਰਕ ਸਰਬ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਹਰ
जाग वस है काम ते ना सो ऐसा कर त्याइया मेरे जीअड़े ता सर्व सुख पाव है मेरे मना। भाई सारे सुख मिलते ने जदों दाते दे दर्शन करिए, दाते दी संगत करिए, सचे पातशाह दे चरण कमलों च दसवंध अर्पण करिए ते गुरु देव जी की महान खुशी प्राप्त होंगी। महाराज जी तो गुरु दाते दे चरणा तो सिख संगता वड्डियां बख्शिशां लेकर हासिल कर दिया। हो तो सलार देन एक काजी, एक गुरु के सवारो सलार देन काजी जेड़ा है साई लोक पयो नह पाजी। वो बड़ा साई लोक है, बड़ा फकीरी सुभाक है। नह हिंदन सो तोख करता, वो किसे हिंदू इत्यादि के नाल तोखा नहीं करता। सब मह एक समान बरतंता, और सबना विच एक समान वरतदा है, सारे नाल एको जी की मोहब्बत रखदा है। हित दर्शन के गुर डिगे आयो, वो सलार दिन काजी भी तन गुरु गोविंद सिंह महाराज जी दे दर्शन प्रसन्न करने वास्ते आए, क्योंकि ये दाते दा वो दरख है जिन्हों भट्ट सवैये विच कहिंदे ने दर्शन परसिया गुरु कै अठ सठ मजन होए। ऐसे गुरु दे दर्शन करके अठाठ तीर्थां दे इशनान दा फल मिल जांदा है। ऐसे गुरुदेव दे चरण कमल परसन करके अठाठ तीर्थां दे इशनान दा महात्म मिल जांदा है। भट्ट कहिंदे दर्शन परसिया गुरु कै अठ सठ मजन होए। महाराज सचे पातशाह दे दर्शना लई सलार दिन काजी आया है। बैठियो बाहुर आनंद को पायो, वो पातशाह जी दे दर्शन कीते बड़े आनंद नाल महाराज जी दे कोल बैठदा है। संगत यार गुर को व्यवहार, और सारी गुरु की संगत दा जितना भी व्यवहार उसने दरबार विच वेखना कीता। चिरंकाल लग रहे ओ निहार, कुछ समा महाराज जी दे दरबार विच बैठा होया ए सारे कौतुक नू वेखदा रहा। मन मह तरकन कर है बेचारन, पर मन विच एक तर्क पैदा होया, मन विच एक शंका होया। लह अवकाश है कर है उचारन, उन्हें उस वक्त अपने श्री मुख तो महाराज जी दे सामने बेनती की जो दे मन विच शंका होया। जब है पीर बहु हट कर गई, जदो सिख संगत दी बहुत वद्दी भीड़ हटदी है, संगत थोड़ा घटी उस वक्त, तब भोजन की चित मह पई, उस काजी सलार दिन दे चित विच उस वक्त इच्छा पैदा हुई मैं महाराज अगे बेनती करा। कहियो गुरु जी तुम्हारे पास, हाथ जोड़ के कहन लगा धन गुरु गोविंद सिंह महाराज जी, मेरी तुहाडे चरणा विखे प्यार मोहब्बत सहित एक बेनती है। नर क्यों कर करते अरदास, महाराज जी सारे प्राणी तुहाडे चरणा विच अरदास करदे ने, क्योंकि हर सिख महाराज के चरणा विच दोए कर जोड़ करूं अरदास तुद्ध भावै ता आने रास। बेनती करदे आपां सारे दाते दे चरणा कमलां विखे। महाराज जी सारी संगत सिखां नूं मैं वेख्या है, वो हथ जोड़ के भावना नाल तुहाडे चरणा च बेनती करदे। देहो असीस कैसे कर देत, पातशाह जी फिर उन्हां नूं तुसी असीस दे करके किवें नवाज दिंदे हो। इस को मैं नह जाने ओ हेत, मैं नहीं जान सकिया। देखो कोई भावना नाल नमस्कार करदा है, शरदा नाल भिज के अपने मुरशद तो वारने जांदा है, उहदी अपनी एक भावना है। कोई डंडौत करदा है डंडेवत लम्मा पाए के, कोई उंज सिजदा करदा है अपनी भावना दे नाल, कोई मुहब्बत नाल किवें नमस्कार करदा है। महाराज मैं ये सारी भेद नू नहीं जान सकिया। जो खुदाए ने दीन बनाए, ग्रीवन वाजी जो अकाल पुरख ने खुदा परमेश्वर ने बना दिता है। सो भोगत है जित कित जाए, ते प्राणी जिथे किथे ओही भोगदा है जो मस्तक दे लेख लिखा करके आया है। हिंदुन के मत मह पी ऐसे, और एक हिंदुआं दे मत विच भी गल इस तरह है। पूरब करी परमेश्वर जैसे, जिमें पूरब पहला की परमेश्वर ने जो भागता लिख दिते ने, जो कर्मां दी क्रिया नू रच दिता है। भोगत सर्ब जीव सद तैसे, ए सारे जीव उसे तरह वो अपने कर्मां भुगतान करते ने।
उसे तरह की सब भोग देखन। तिसको मेट सकै को कैसे। उन्हां कर्मां नूं कौन मिटा सकदा है, उन्हां कर्मां नूं कौन तब्दील कर सकदा है। खुशी होए कर बित सुत देत। ते खुशी हो करके पातशाह जी तुसी किसे दी अरदास के महाराज पुत्र दी दात बख्शो, कोई किस तरह की बेनती करता है, दाता जी इस तरह आप जी ये सारिया रहमतां दे के निवाज रखे हो। ऐसो झूठ कहन किस हेत। पर कादे लई इस तरह का कोई झूठ कोई कह सकता है। बड़ो प्रश्न काजी को सुन के। सत संगत ये वड्डा प्रश्न काजी सलवार दीन दा जदों महाराज ने सुनिया। उत्तर देन सुमत ते भन के। गुरदेव जी समत सेती उत्तर देना करदे ने। महाराज शंके दी निवृत्ति करन लगे। सुन काजी बड़ बुद्ध बेचारी। सतगुरु कहिंदे सचे पातशाह काजी जी सुनो, आप जी दी वड्डी बुद्ध है, मत आप जी दी श्रेष्ठ है। अह जथावत तथा उचारी। जो आप जी सत जानिया उसे भांति आप जी ने सत साडे कोल रखना कीता। तो जनन को जिम हम देत। ए सत कह भी जिन्हां नूं जिनता परम पिता परमेश्वर ने जनन देना कीता, जन्मता देना कीता। भगत जी बचन कहिंदे ने अमृत बाणी विच के करते दी खेड़ ऐसी खै जनरी केरे, उधर उदक मैं पिंड किया दस द्वारा। भगत कहिंदे दे आहार अगन मैं रख है ऐसा खसम हमारा। साडा मालक इहो जिहा महाराज, वह उधर विच भी पालना करदा है। मात गर्भ मैं आपन सिमरन दे, उस सिमरन दे द्वारा उत्थे भी रखिया करदा। तो ही सिमरन सानू महाराज ने कहा भई हुण जन्म भी इस करके होया कि भई प्राप्त मानुख दे हुरिया गोबिंद मिलन की ए तेरी बरी है। महाराज सचे पातशाह कहिंदे जदों प्राणी जन्म लैंदा है तिस गत को अब लोक हो हेत। वो सारी क्रिया नूं हर कोई जानदा है भी जो इहदे भाग ने, जो इहदे कर्मां विच कै उस तरह इहदा जीवन है। इम कह कर कागद मस लै कै। ए बचन कह के गुरु की संगत दतार पिता गुरु गोबिंद सिंह जी ने हाथ विच कागज़ ते सचे पातशाह जी ने धन गुरु कलगीधर जी ने मस शाही लै करके पूरब मोहर दिखावन कह कै। महाराज जी ने पहला मोहर जड़ी सी सलार दिन काजी नूं विखा देनी कीती। परन अपूठे इस पर अह। गुरदेव पिता कहिंदे काजी जी आ मोहर दे अखर जड़े ने तुहानू किवें नजर आउंदे ने। महाराज पुठे ने। सतगुरु कहिंदे हाँ पुठे ने, क्योंकि मोहर वाल जदों आपां वेखांगे उहदे सरूप तां कुछ इस तरह। महाराज कहिंदे आ जिहड़े वर्ण ने इह जिहड़ा छाप कह किवें कह इहदे अखर अपुठे इस पर अह पुठे नजर आ रहे हन। इनते काज सरत नह लहै। पर जिन्नी देर इहदी क्रिया उत्तम नहीं बणदी उन्नी देर इहदी विचारी दी की कीमत की बुकत। पर जदों इस नूं महाराज सचे पातशाह कहिंदे जोग विच वरतू विच लिआंदा जावे। पुन कागद पर दई लगाए। ते दातार जी ने बचन कह के सात संगत शाही विच, क्योंकि स्टैंप नूं आपां थोड़ा गिला करदे जिवें शाही लाई जांदी जी, महाराज जी ने उहदे ते ला के पुन कहीए फिर कागद ते ला करके महाराज कहन लगे भए बरन सूदे इस पाए। वो अखर जेड़े सन सारे सीधे नजर होए। सलार दिन काजी वेख के बड़ा हैरान। महाराज सचे पातशाह जी ने वो मोर जेड़ी सी दाता जी ने कागज़ दे उत्ते जदों लवाई, दातार सचे पातशाह जी ने वो कागज़ विखाया ते सीधे अखर काजी पढ़न लगा। सुन काजी नर जन्म जबे। ते सात संगत दातार जी कहिंदे काजी जी सुनो, जदों मनुख दा प्राणी दा जन्म हुंदा है प्रथम कर्म अनुसारी तबे। उस वक्त पहले कर्म दे अनुसार ही जन्म हुंदा है। जो असी पहला जन्म लै के आए हैं, जो साढ़े भाग ने बहुत प्यारे साढ़े महान गुरमुख विद्वान ज्ञानी संत सिंह मस्कीन बचन लिख दे, वह सब जूना दे पंज विकार उन्हां दी पुस्तक जिहड़ी है चार युग पंज विकारां दे, बड़ा प्यारा एक संदेश उहदे विच वह कहिंदे सत कह कि प्राणी दे जन्म कर्मता दी क्रिया अपनी अपनी हर कोई मनदा है।
ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਥ ਅਧੂਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪੈਰ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਦਰਾ, ਐਸਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਜਨਮਤਾ ਦੀ ਕਰਮਤਾ ਕਿਰਿਆ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਵਾਰੇ ਜਦੋਂ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਦਾਤੇ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆਈਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਭੱਟ ਸਵਈਆਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਤੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਦਾ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰਾਹ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਚਨ ਨੇ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਸਿਰ ਹੱਥ ਧਰਿਓ, ਗੁਰ ਕਿੰਨੀ ਕਿਰਪਾ, ਜੇ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਮਿਹਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਨਾਮ ਦਾਤ ਦਿੰਦਾ, ਹੋਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਪਿਛਲੇ ਔਗਣ ਬਖਸ਼ ਕਰਕੇ ਦਾਤਾ ਜੀ ਅਗਲੇ ਮਾਰਗ ਪਾਉਂਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਘਰ ਉਹ ਹੈ ਭੁੱਲੇ ਮਾਰਗ ਜਿਹਨੇ ਬਤਾਇਆ, ਐਸਾ ਗੁਰਵੱਡ ਭਾਗੀ ਪਾਇਆ। ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਖ ਹੈ ਕਰਮਤਾ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦਾ ਅੰਗ ਸਰੂਪ ਜਾਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਵੇ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਭਰਾ ਕਰਤੇ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਕਰਮ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦਸ ਸਮੇਂ ਲਿਆ ਕੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਜੀ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਣੀ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮਾਂ ਸੇਤੀ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੋਣ ਹਾਰ ਸਿਰ ਲਿਖੀ ਸੋ ਜਾਏ, ਉਹ ਕਿਰਿਆ ਜੋ ਹੋਣ ਹਾਰ ਕਰਤੇ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ ਉਸੇ ਮੁਤਾਲਿਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੁੱਠੇ ਬਰਨ ਮੋਹਰ ਜਸ ਪਾਏ, ਜਿਵੇਂ ਮੋਹਰ ਦੇ ਅੱਖਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਠੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ, ਜਬ ਹੈ ਲਗਾਵਣ ਹਾਰ ਲਗਾਵੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹੋਏ ਸੋਦੇ ਤਬ ਨਮਰ ਟਿਕਾਵੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਸਤਕ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵਿਭਾਗ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਮਸਤੇ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਮਸਤਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾਤੇ ਦੀ ਚਰਨ ਪਾ ਖਾਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਬਦ ਬਖਤ ਹਮ ਚੂ ਬਖੀਲ, ਗਾਫਿਲ ਵੇ ਨਜ਼ਰ ਬੇਬਾਕ, ਨਾਨਕ ਬਗੋਇਤ ਜਨ ਤੁਰਾਂ ਤੇਰੇ ਚਾਕਰਾਂ ਪਾ ਖਾਕ, ਕਿਤੇ ਤੇਰੇ ਸਤਿਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ, ਤੇਰੇ ਸੇਵਕਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਪਾ ਖਾਕ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਦਾਤੇ ਦੀ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜ ਮਸਤਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਮਸਤਕ ਦੇ ਭਾਗਾਂ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਾਜੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਅੱਖਰ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੋਹਰ ਜਦੋਂ ਕਾਗਜ਼ 'ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਅਗਲੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਉਸੇ ਵਕਤ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਕਰਮ ਦੀ ਕੌਣ ਜਾਣੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਕਰਮ ਰਾਹੀਂ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿਤਨੇ ਦੁੱਖ ਇੱਕ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਕੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਤਾਂ ਐਸੇ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਹੀਰ ਹੈ ਰਤਨ ਨਾਮ ਹਰ ਬਸਿਆ, ਗੁਰ ਹੱਥ ਧਰਿਓ ਮੇਰੇ ਮੱਥਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਕਿਲਵਿਕ ਦੁੱਖ ਉਤਰੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਕਿਲਵਿਕ ਦੁੱਖ ਗੁਰੂ ਕੱਟ ਦਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਦਾਤਾਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਸਿਰ ਹੱਥ ਕਰਦਾ, ਮਿਹਰ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੇ ਕਿਲਵਿਕ ਕੱਟ ਦਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦੁੱਖ ਮੁੱਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਵਾਰੋ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਗਲੇ ਕਿੰਨੇ ਦੁੱਖ ਸਾਡੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨੇ ਨਾਲ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ। ਔਰ ਦਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਕਿਉਂਕਿ 551ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਔਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ 400 ਸਾਲਾ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇਹ 29ਵਾਂ ਅਦੁੱਤੀ ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗੀਤ ਸੰਮੇਲਨ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇਰੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਰੱਖਿਆ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੱਜਣਾ ਇਹ ਘਰ ਉਹ ਹੈ ਦੁੱਖ ਪਰ ਹਰ ਸੁੱਖ ਘਰ ਲੈ ਜਾ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਸੱਜਣਾ ਦੁੱਖ ਛੱਡ ਜਾਈ ਅਤੇ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਝੋਲੀ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਜਾ। ਹੈ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਣੀ ਕਵੇ ਭਾਈ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਸਾਡੇ ਘਰ ਛੱਡ ਜਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਸੁੱਖ ਲੈ ਜਾ? ਇਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਉਹ ਅਲਾਹੀ ਨੂਰ ਆਇਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਮਦ ਨਰਾਇਣ ਸਰੂਪ, ਹੋਮਾਨਾ ਨਿਰੰਜਨ ਨਿਰੰਕਾਰ ਰੂਪ, ਇਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਰੂਪ ਕਲਾ ਧਾਰ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਆਇਆ ਬਲਿਓ ਚਿਰਾਗ ਅੰਧਿਆਰ ਮੈਂ, ਸਭ ਕਲ ਉਦਰੀ ਇੱਕ ਨਾਮ ਤਰ, ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਇਆ, ਇਹ ਐਸਾ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਇਆ। ਅਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਾਂ ਜਨਮ ਪਾ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਨਮ ਪਾਏ ਕਛ ਭਲੋ ਨਾ ਕਿਨੋ ਤਾਂ ਤੇ ਅਧਿਕ ਡਰੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ। ਦਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਂ ਪੀਤਾ, ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਗਰੀਬਨਵਾਜ ਗਰੀਬਤਾ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਨਮ ਪਾਏ ਕਛ ਭਲੋ ਨਾ ਕਿਨੋ ਤਾਂ ਤੇ ਅਧਿਕ ਡਰੋ। ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਡਾ ਸਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਭਾਈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਭੈ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਕਰ,
उहदे अदब मुहब्बत विच रहा कर। तो गुरु के सवारियो जिवें कागज के अखर लग जान मोर दे सीधे नज़र आउंदे ने। गुरु गोबिंद सिंह सच्चा पातशाह कहिंदा जदों प्राणी अपना मस्तक उस मुरशद के चरणों में रखता है तो पहले औगुण गुरु दाता बख्श देंदा है जिहड़ियां कोई खता हुंदियां ने अगे दाता जी निवास देंदे हन। तिस प्रकार करमन फल दाता, ओ करमां दे फल दाता परदाता कह मेहनत मनशक्त मनुख नूं दित्ती के उद्यम करो वड भागीओ सिमरो हर हर राय ते उस दा परदाता दाता आप है वडियाई देण वाला आप है। जिमीदार बीज बीजदा है ते बीज नूं फल लाणा करते दा हो अमृत परमेश्वर दा सिद्धांत है। बीज बीजना पैगा महाराज कहिंदे उद्यम करो वड भागी हो की करो महाराज कहिंदे वड्डे भागां वाले उद्यम करो महाराज कहिंदे सिमरो हर हर राय हरी करता सिमरिया करो। ते जिस दिन करता घरे आ गया नस वंजो किल वेखो करता घरे आया दूतां दहन भया गोबिंद प्रगटाया। दूतां दहन दह कहिए दाह संस्कार नाश हो गया दूत वो नेड़े नहीं आए क्योंकि जिन्हां दे नाल करता खै नाल नारायण मेरा जमदूत ना बहने उत्थे की होना उन्होंने। महाराज कहिंदे ने जिवें वो अखर सीधे हो जाते ने फलदाता भी करता इस तरह बख्शिश देकर निवाजदा है। मस्तक पर लिख लेख विधाता, एक केवल विधाता ही लिख सकता है। ये मता कोई कवे किसे दंभी पखंडी कोल जाके बन जाए कि गल नहीं प्यारे ये कोई कमाई वाला महापुरख सतपुरख जिवें आपां महापुरशां दे चरणां विच आए हैं एक कमाई वाले। और सतगुरु दाता जी कहिंदे उस अकाल पुरख दे धन गुरु अमरदास जी की पौड़ी आप जी नित प्रत पढ़ते हो साची लिवै बिन दे निमाणी दे निमाणी लिवै बाजू क्या करे बेचारिया इस नूं होर थाउ नहीं। महाराज कहिंदे शब्द लाग सवारी आ सोना टुटे तो सुनियार गंढ सकदा लोहा लोहार गंढ सकदा कपड़ा पाटे तो दर्जी सी सकदा उहनूं गंढ सकदा है। किसी ने कहा लोहार कोल नहीं जाना कपड़ा असी दर्जी कोल नहीं ले जाना लोहार कोल जाना तो लोहा दर्जी कोल लै जाइए नहीं कोई गल बनेगी। जे कोई बंदा हकीकत विच अपने जन्म की अपने जीवन की सफलता चाहता तो बापू अमरदास कहिंदा इस नूं होर थाउ नहीं शब्द लाग सवारी आ भाई कोई थां नहीं शब्द जिहड़ा साडा जीवन सवार सकदा है। धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह ने इस करके धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे लड़ लाए ये बख्शिश देते कि सजना किते नहीं जीवना सौर ना किते भ्रमण करता रहो भटकता करता रहो कमाई वाले महापुरख इस करके ना बनी अभ्यास कहिंदे ने भाई अराध्या कर सिमरन करिया कर। महाराज कहिंदे ने भाई मस्तक दे लेख करते दे वालों विधाते वालों लिखे हुए हन। तब है कहे एह मनुख जोए, इस तरह फिर ए मनुख उसी तरह की विचरदा है। गुरु पीर के आगे होए, जदों पीरन सिर पीर गुरु दे अगे आके नमस्कार कर देंदा है। मस्तक शरदा सहत निभावे, सा संगत शरदा नल मथा टेकना भावना विच गुरु दे अदब विच रह करके हौमे विच नहीं ये आखे महाराज जी हौ आया दूरों चल कै मैं तकी तो शरणाए जियो मैं आसा रखी चित मैं मेरा सबो दुख गवाए जियो भावना लै करके शरदा सहित सतगुरां दे चरणां च सीस नवावे। सोदे अखर तब होए जावे, जेड़े किते भाग पुठे होणगे कोई दुख होणगे कोई कठिनाइयां होणगियां ओ अखर सीधे करता जी कर दिंदा है। तिस को फल सुख भोगन करे, ते फिर उहनां दुखां नूं सुखां विच करता बदल दिंदा है ते सुख आनंद रूप वरता दिंदा है। इस प्रकार जे काज सवरे, ये सारे काज सौर जांदे ने किथे सतगुर आयो शरण तुहारी मिले सूख नाम हर शोभा चिंता लाए हमारी। सच एक है कि संत जना मिलहर जस गायो कोट जन्म के दुख गवायो जो चाहत सोई मन पायो। महाराज कहिंदे ने कर कृपा करना एक कृपा करता जी मेहर कर देखान। जे मस्तक को टेके नाही, जे भाई कोई अपागा मथा टेके ही ना ओ महाराज नू सिजदा ही ना करे। पूठे कर्म रहे बिदताही, पातशाह कहिंदे ओ फिर कर्म पुठे ही रह जांदे हन। गुर मह सिख भावना तरह, गुरु का सिख अपने सतगुर ते अपने मुरशद दे भावना रखे। सत्संग जीओ दाते दे कर मुहब्बत चाहिए
सचे पातशाह कहिंदे वडियाई वास्ते सतगुरु की सूझ तो होनी, गुण तो होने तो असी गुण कहांगे, निंदा तो कोई कर ले प्यारिओ, उस्तति वास्ते ओदी बख्शिश ओदी रहमत जो सतगुरु प्रसाद मेहर करदा ते तां, क्योंकि ज्यों बुलावै त्यों बोलना है स्वामी, तां ही बोल सकदा ना कोई, नहीं तो बेचारा कोई बोलन की समर्थ भी रखता। तो गुरुदेव पिता महाराज कहिंदे ने भाई इस तरह जे कोई नमस्कार ना करे, महाराज कहिंदे सिजदा ना करे तां ओदी अपुठी भाग किरिया की रह जांदी है। सुत बेताद सुख पावन करे, ते गुरु दाता जी कहिंदे फिर ओनू किते सुत दा किते होर घर परिवार दा दुख, पर जे किते मस्तक टेक लए ते महाराज कहिंदे औलाद भी सुख, क्योंकि एक गुरु इक्की कुलां दा उदार कर दिंदा, ए समर्थ गुरु ऐसा है। काजे सुन मन भयो आनंद, साहब जी दे वचन सुन के काजी आनंदित हो गया। ठाडा पयो हाथ दवै बंद, दाता जी दे चरणा च ठांडा कहिए खड़े हो के, जो महाराज कहिंदे दर मन दे ठांडे दरबार, तुझ बिन सुरत करै को मेरी दर्शन दीजै, खोल के बार दाते दे दर ते खलो गया दाता जी, मेर करके इस तरह दीदार सेती निहाल कर देवो। चुक चुक करे सलाम अघारी, और बड़े प्यार सत महाराज नु सिजदा करदा मथा टेकदा सचे पातशाह दे चरणा विच, महाराज किते मेरे भी निमाणे दे भागा नु श्रेष्ठ बना देवो। गुर तारीफ बुलंद उचारी, पातशाह जी दी तारीफ वड्डी सिफत सलाह अपने श्री मुख तो उचारदा है। रब जी संसे पयो बिनाश, पातशाह जी तुहाडी कृपा नाल शंका मुक गया है। वाह वाह बड बुद्ध प्रकाश, पातशाह जी बहुत वड्डी कृपा कीती के बुद्ध का प्रकाश सानना स्वरूप होया, तुहाडी नजर हुई। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज सचे पातशाह श्री बख्शिश दे मालक ने सा संगा जे, आपां भी दाते चरणा च सारे बेनती करिए, दाता जी तुहाडे चरणा च नकमस्तक होए, कृपा करके अपने नाम बाणी बंदगी का अभ्यास बख्शिश करके नवाजो। सा संगा जीओ, ये 29वां जो अदुत्ती गुरमत संगीत सम्मेलन सचे पातशाह जी की महान कृपा सदका आप सू संगतां दे सहयोग सदका महापुरखां ने उलीकिया, इसका अज तीसरे दिन का आगाज होया। सत संगत जी को रहरा साहब जी के पाठ होणगे, उपरंत गुरमत शब्द संगीत अकैडमी जवद्दी टकसाल के विद्यार्थी आरती का कीर्तन, फिर सत संगत जी हो 33 साल की सोलो जड़ी है, वो सारे विद्यार्थी जड़े ने 33 साजा वाले आप संगतां दे सन्मुख आप जी के दर्शन करनगे, वो जी पेशता करनगे। तो अज ये विशेष बेनती है, क्योंकि सारे विद्यार्थियों ने बहुत मेहनत करके आप संगतां दे दीदार प्रसन वास्ते सतगुरां दी असीस महापुरशां दी असीस लैण वास्ते, तो फिर बेनती है सतगुरु महाराज सचे पातशाह जी के पावन चरणा विखे रहरास साहब जी के पाठ, उपरंत सतगुरां दे महान आरती दे कीर्तन, फिर विद्यार्थियों वालों सोलो, इस तरह रात निरंतर 10 बजे तक सत्संग जीओ। भाई हरपिंदर सिंह जी हजूरी रागी सचखंड श्री दरबार साहिब श्री अमृतसर साहिब आप संगतां दे दर्शन हित आ रहे हैं, परमेसर कमरपाल सिंह जी देहरादून, बीबी आशुप्रीत कौर जी जलंधर, भाई मनजीत सिंह जी हजूरी रागी सचखंड श्री दरबार साहिब श्री अमृतसर साहिब आप सारिया संगतां दे दर्शन हित वास्ते आ रहे हैं। आप सब संगतां नूं बेनती प्यार सत वध करके गुरु दाते दे चरणां दी हाजरी भरो। आओ 1-2 मिनट वास्ते गुरमंत्र च हाजरी लवा के सतगुरु महाराज सचे पातशाह दे पावन चरणा विच हजूर दी अमृत बाणी दे फिर सोदर दे जाप आरंभ होणगे। प्यार सत कृपा करो जी। वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। सतगुरु सभना नू नाम बणी व्यास धर्म करो गुरु संगत करन दा बल अब उद्दम बख्शिश करके निवाजन बेअंत प्रकार की फुलों दिमा आप संगत धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी बख्शन योग ने बख्श लैनिया दस रही फुलों समझ कर दस रही की खिमा करनी है जो गुरु बचन गुरु जीवन आप जी ने साझा किया है। गुरु जी का जान करके हिरदे च वसाण का यतन करना जी।
प्यार सतगुरु बख्शी फतेह स्वीकार करो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।